कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरक्तिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्ये नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्तिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्ये नमो नमः। भक्ताविना अपराध लक्ष्य हेताश्च प्राणादिपादम् कृपामयित्वं शरणं प्रपन्नम् विन्दे नमस्ते चरणारविन्दं विन्दे नमस्ते चरणारविन्दं विन्दे नमस्ते वदामि राधां करुणावरक्षं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरव वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वयं महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवृंद मातृवृंद हरिकथा कृपासु शत्रुवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथाजथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रस की बात है, हम लोग सभी नित्यानंद अभिन्न तनु बलदेव प्रभु की अभिन्न विग्रह गुरुपाद पद्म की चरण कमल की सान्निध्य में बैठे हुए हैं तथा परात्पर प्रतत्त अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रजनंदन श्याम सुंदर एवं उनकी सर्वशक्ति स्वरूपिणी प्लादिनी स्वरूपिणी श्रीमती राधारानी एवं राधा भाव दूति सुबलित सचिनंदन गौधरी हम लोग हरी कथा श्रवण के लिए हम लोग एकत्रित हुए। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, किसको दुर्दीन कहते हैं और किसको सुदीन कहते हैं, मैं आपके निकट वर्णन करता हूं। देखो, दुर्दीन किसको कहा जाता है, अच्छे दिन नहीं है। कौन सा दिन? जिस दिन बारिश होती है, दुकान खुलते नहीं है, पैसा नहीं आता, उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्दीन का है। सुदीन किसको हम कहते हैं, जिस दिन दुकान खोलते हैं और चारी तरफ से पैसा आ जाता है, मित्र लोग हमारे घर में भर जाते हैं, अनेक प्रकार की भोजन की व्यवस्था हो जाती है, उसी के कहा जाते हैं सुदीन कहा जाता है। किंतु देखो, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं, महाराज सुनिए, मेघाच्छन्नम न दुर्दीनम, आकाश में बादल छा जाने से वा बारिश होने से वास्तव वो दुर्दीन नहीं है। दुर्दीन कब है, जिस दिन हम लोग अच्युत विजिश कथा वर्जितम, जिस दिन हम लोग अच्युत भगवान के अमृतमय कथा से वंचित हो जाते हैं, वो दुर्दीन। क्योंकि बड़े भाग से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गाव। तुलसीदास जी रामचरित मानस में ही लिखते हैं, ये मनुष्य शरीर जो है अतीब दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहिनां खन भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मनुष्य शरीर जो है अतीब दुर्लभ है, 84 लाख जन्म भ्रमण करते करते भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया। बाइबल में भी ऐसे वर्णन कर दिया, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन
इमेज। गॉड भगवान अनेक प्रकार के पशु पक्षी आदि को सृष्टि किया किंतु उससे संतुष्टि नहीं है। क्यों? गॉड ने देखा, भगवान ने देखा ये पशु पक्षी कुत्ते आदि ये भजन नहीं करेगा, और जब तक भजन नहीं करे मुझे प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने किया कि अंत में मनुष्य की सृष्टि किया कैसे, अपने के भाव को। इसलिए बाइबल में पुष्टिकरण कर दिया, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, ओन इमेज, अपने स्वरूप के भांति मनुष्य के सृष्टि किया। क्यों? हम लोग कुछ भगवत भजन कर सकते, कुत्ते बिल्ली है भजन नहीं है। यहाँ पर ये कुत्ता सुआ सोए होते और फिर भाग गया है, किंतु हम लोग मनुष्य है, मानव, हम लोग विचार कर सकते हैं कि ये मानव जीवन की तात्पर्य क्या है, और द सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, क्यों हम लोग संसार में आए हैं और क्या करके हम जा रहे हैं। धन संपत्ति, स्त्री पुत्र परिवार, ये तो उतना ही हमें मिलेगा जो पूर्व जन्म में हम जितना ही पुण्य करके आए हो वो उतना ही मिलेगा। सत्संग साधु संग अतिव दुर्लभ। रावण के कौशल कौन कमी था बताइए आप लोग तो अनेकों जो रामायण जो है अध्ययन करते हैं, वह रामायण कथा भी, रामचरित कथा भी श्रवण भी किया। इंद्र रावण के कौन सा कमी था जिसके लंका जो है राज्य कैसे था, वो सोने के था, गोल्ड है, स्वर्ण लंका कहा जाता है। पत्नी भी सुंदरी है मंदोदरी, पुत्र कैसे है इंद्रजीत मेघनाद, वा क्या कहा जाता है इंद्रजीत, जो इंद्र की भी विजय प्राप्त कर लिया था है? किंतु देखो उनके जीवन में ना कुछ सब सुख और शांति मिला। सुख शांति कहां है कहां, इसलिए कहते हैं दरिद्र कहे धनी सुखी। क्या बोला? दरिद्र कहे धनी सुखी, धनी कहे महाधनी सुखी, और महाधनी कहे राजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे इंद्र सुखी, और इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, चतुरानंद सुखी। चतुरानंद ब्रह्मा कहे नहीं नहीं, सुखी कौन है? तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब व्यर्थ। आप बताइए, सभी हम लोग जाएंगे एक दिन है, कितने लोग चले गए और कितने लोग भी लाइन में सब है ऑनलाइन, समझ में आ रहे? माने जाना तुझको पड़े अकेला, भज ले हरि का नाम ले, जितने भी मंजिल बना लिया जाए, जो कुछ भी करे इस स्थान पर रह ही जाए, जाएगा एक ही चीज, जितने आपने भगवत भजन कर। इसलिए कहते हैं ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती बिक राओ गली गली, ले ले रे कई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती बिक राओ गली गली, ले ले रे कोई राम। सभी ताली बजाइए, माया के जो बने पुजारी,
कोई राम का प्यारा। देखो अभी हमारे एक स्थान जो करा रहे हैं, बहुत इधर के भक्त लोग बहुत प्रसन्नता हुई, विशेष करके हमारे कैलाश चूड़ामणि बहुत प्रेमी भक्त है, कृति भी रखते हैं सबके साथ है। कई बार मुंबई से तो मुझे फोन किया, बोले आप कब आओगे कब आओगे। मैं तो आया था 2020 में है, कोरोना के समय है, यहाँ से गए दिल्ली और उसके दूसरे दिन ही अनाउंस हो गया ये कोई बस गाड़ी रिक्शा कोई भी कुछ नहीं चलेगा, कंप्लीटली क्या लॉकडाउन से हो गया था ना उसमें बिल्कुल लॉकडाउन। और केवल हम लोग रात ही रात उसी दिन रात ही रात हम लोग दिल्ली से मथुरा चले गए। हमारे साथ करीब 50-60 हम लोग थे, छात्र विदेशी भक्त हमारे आए थे यही स्थान पर है, हमारे प्रभु जी उसके नाम पर राधा कृष्ण तिवारी जी के इस स्नेह पर हमारे तो नाम ही कितने सुंदर है, कृपा परवश होकर के हम लोग भी स्थान भी दे दिया। हमारे सारे विदेशी लोग हैं, ब्राजील से और इंग्लैंड से अमेरिका से जितने हम भक्त लोग थे सब यहाँ पर चले गए हैं, हम लोग चले गए। और हमारे प्रभु जी पांडे जी क्या, अरे नाम जल्दी बोलो, श्याम सुंदर दास प्रभु हैं, ये भी प्रेमिक भक्त है इतने इनके परिवार लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, बहुत ये लोग भी हम लोग भी बहुत सहायता की हैं। और विशेष करके हम लोग सभी जो है हमारे संत श्याम प्रभु के अनुगत्य में हम लोग आए थे हैं, अयोध्या जी दर्शन किया नैमिषारण्य, और प्रभु जी बता रहे ना अर्जुन अनिल मिश्रा जी बहुत प्रेमिक भक्त हैं, इन लोग के लिए सब जोर से आवे ताली बोले। देखो भगवत कथा बोलने की क्या बोलेंगे, भक्त के महिमा वर्णन करो है, जिन्होंने हमें समस्त प्रकार की सहायता की है। भगवान का क्या कहते हैं, मैं तो भगवान कहते मैं तो आत्माराम अप्त काम हूं है, आत्माराम और अप्त भगवान कहते हैं है। किंतु भक्त क्या करते हैं, वही आत्माराम अप्त काम पुरुष के भगवान क्या करते हैं, प्रेम के द्वारा नचाते हैं है। देखो ब्रज के छोरियां क्या की, कृष्ण के क्या किया, थोड़ी सी छाछ देकर के, छाछ समझते हैं ना है? और मक्खन देकर के उनको क्या किया, नचाया। अभी प्रभु जी बताएंगे है? तमक तमक करके नचाएंगे, ये तो ब्रज के कोयल है। हम बोलने के पहले सब कुछ बोल देते हैं कितना सुंदर जी बैठा, और हमें ये सब कीर्तन ये देखो बाहर से आई है, ये भी अच्छा कीर्तन करते हैं है? जय गोविंद इसके नाम, बहुत सुंदर बालक है, सरल है, भजन भी करता है, इतने सुंदर ब्रज की कीर्तन भी करते हैं, सबको नचाएंगे। हम तो 3 दिन यहीं पर रहेंगे है? और कई हॉलैंड से आए हैं, ये भी है इंदिरा देवी, ये भी इंग्लैंड से आई है, अच्छा कीर्तन करते हैं, हारमोनिया बजाती है, सब एक एक कला में इतने सुंदर दक्ष है, एक्सपर्ट है, बहुत सुंदर ये सब है, भक्त की महिमा है। इसलिए मैं इसलिए कह रहा था, देखो नाम ही क्या, जो कथा हमें सुयोग दिया है, क्या कर रहा है, आपके नाम क्या बताओ, बोले कैलाश मणि पांडे। अच्छा कैलाश में कौन रहते हैं आप बताओ, शिव जी रहते हैं ना है? शिव जी क्या करते हैं कैलाश में रह करके, देखो अपने पत्नी देवी पार्वती के साथ कभी राम कथा कभी कृष्ण कथा बोलते हैं, कभी तन्मय होकर के वास भगवत नाम जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। काल मैं बता रहा था उनके नाम सुनते हृदय में इतना आनंद हो गया। देखो एक बार शिव जी
पार्वती के साथ बैठ करके कुछ राम कथा कीर्तन कर रहे थे। अचानक ये कैलाश पर्वत बिल्कुल ऐसे हिलने लगे, बिल्कुल ऐसे अर्थक्वेक आ गया, भूचाल हो गया। शिव देवी पार्वती बोले, हे पतिदेव क्या बात हुई, आज अचानक भूचाल कैसे हो गया, ऐसे ऐसे क्यों हिल रहे। देखो शिव जी बोले, देवी पार्वती ये भूचाल नहीं है, मेरा एक परम भक्त आ गया। बोले आपके परम भक्त? परम भक्त आ जाने से कैलाश ऐसे जोर से हिलने लगे? बोले हाँ। बोले कौन आए? ये देखो मेरे परम भक्त कौन आ गए? रावण आ गया। बोले कैसे? बोले रावण को भी सिर झुका करके प्रणाम नहीं करता था, हम प्रणाम करते हैं ना, कैसे सिर झुका करके। भाई मंदिर में जाओ गुरु वैष्णव के कैसे प्रणाम करना चाहिए? सिर झुका कर। रावण का तो मेरा गला कट जाए किंतु सिर झुकेगा नहीं। इसलिए रावण जब जब शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश में आ जाते थे, वो कैलाश के क्या करते थे, ऐसे दो हाथ में उठा करके अपने सिर पर रख देते और इतने सुंदर स्तुति आदि करते थे। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, रावण वास्तव में थे कौन हो? देखो वास्तव में जय विजय की कथा है। एक बार ब्रह्मा जी के चार जो मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार जो है ब्रह्मलीन होने के जा रहे। और देखो उस समय ब्रह्मा जी ने विष्णु के अंदर प्रार्थना कर दिया, प्रभु मेरे पुत्रों यदि ब्रह्म में लीन हो जाए तो सृष्टि कैसे चलेगी। देखो उस समय भगवान की ब्रह्मा जी के प्रार्थना सुन करके संग भगवान विष्णु अपने चरण कमल की तुलसी जो मकरंद जो है घ्राण जो है, हवा के द्वारा चार कुमारों के नाग में प्रवेश करा। और उस समय ये चार कुमार ने क्या की, सनक संदन सनातन और सनत कुमार ब्रह्म ज्ञान छोड़ करके भाई वैकुंठ की तरफ चलने लगे। और वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय भगवान के दो द्वारपाल थे, रोक दिया और बोले तुम लोग कहां जा रहे हो? चारु कुमार बोले हम लोग भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जा रहे। किंतु चारु कुमार कैसे थे? वस्त्र अधिक नहीं था, सामान्य वस्त्र, मतलब ठाकुर भगवान के दर्शन करके ऐसे जाते हैं, ठीक से वस्त्र पहन को पहनो तब जाने देंगे। देखो चारु कुमारों ने क्या की, क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के ये जय विजय के अभिशाप दे दिए, जाओ मत लोक में जाओ। यही चार यही जय विजय सप्त युग में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु होकर के जन्म लिया। उस समय नृसिंह अवतार और स्वयं भगवान शुकरदेव होकर के ये दोनों को उद्धार किया। फिर दूसरी जन्म में त्रेता युग में यही जय विजय कौन आ गया, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और द्वापर युग में यही जय विजय पुनः कौन किसके रूप में आए, शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में। हम इसलिए करे, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान के साथ टक्कर लेने वाले कोई साधारण मनुष्य हो सकता है? किंतु देखो यही जय विजय क्या हो गया, रावण और कुंभकर्ण रूप में आए। ये तो लीला कर रहे भगवान की। किंतु रावण शिव जी के तो मानते थे, किंतु भगवान राम को नहीं मानते। एक बात कह दूं, देखो जब रावण शरीर छोड़ दिया, भाई केवल गला काट गया, रावण के 10 मुंड राम ने उनको काट दिया मरने वाला, उस समय
रामचंद्र लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण जाओ राम से, रावण से कुछ विद्या लेकर के, ज्ञान लेकर के आओ। रावण महाज्ञानी थे, लक्ष्मण जाकर के रावण के सिरहाने के सिर के पास खड़े खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोले, लौट करके आ गए। बोले भैया, रावण तो कुछ बोले ही नहीं। बोले ना, किसके से ज्ञान लेना है उसके चरण की तरफ जा। देखो लक्ष्मण रावण के चरण की तरफ आए। उस समय बोले रावण हमें कुछ ज्ञान दो। उस समय रावण ने दो बात सुनाई। देखो लक्ष्मण, जो कुछ जीवन में कुछ करना है, दो ध्यान आप देना। शुभ काम कुछ दिखाई पड़ रहे हैं उसके जल्दी करो, और यदि कोई वस्तु अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं उसको क्या करो, त्याग बा उसको टाल दो। रावण स्वयं कहने लगे, उपदेश देने लगे, मेरे जीवन में दो घटना हुई है। रावण कहने लगे, देखो मैं पुष्प विमान में बैठ करके जदा कदा सर्वलोक सर्वलोक में चला जाता हूं है? मैंने ये सोचा ये संसार के लोग सभी पैदल पैदल कहां पहुंच जाए, सर्वलोक चले जाए, इसलिए उनके लिए मैं ये सिद्धि बनाने के लिए प्रयास किया है? किंतु इतने समय मेरे बहन सूर्पनखा आकर के मेरा बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, जिसके फलस्वरूप मैंने क्या की, सीता हरण कर दिया, परस्त्री परनारी अपहरण किया, और जिसके फलस्वरूप आज मेरा यही गति हो। तात्पर्य क्या, रावण ने क्या शिक्षा दी, जीवन में जो काज करना है शुभ काज जल्दी करो है। इसे कहते हैं देखो, आज करो से क्या बोले, काल करो से आज करो, आज करो से अब, पल पल में रहेगी तो रहेगी है। इसलिए जीवन में यही शिक्षा हमें देते हैं है, वास्तव रूप में ही है। भजन हमें करना है, जल्दी भजन करो। वृद्ध बूढ़े लोग कहते हैं ना, जब वृद्ध हो जाएंगे तो आप भजन करेंगे। अच्छा, वृद्ध काल में कोई भजन करता है? छोटा बच्चा जब भजन करता है उसके माता पिता भी कहते हैं, बाप पड़ोसी लोग भी कहते हैं, अभी भजन करने की जरूरत नहीं है, अभी स्कूल में जाओ, लिखा पढ़ा करो, विवाह शादी करो है? और विवाह शादी करके फिर नौकरी करो, और फिर क्या करोगे है? जब बूढ़ा हो बुद्ध हो जाओगे तब भजन करना है। किंतु ऐसे नहीं, भजन शुरू करो, सभी भजन करो। कौमारं आचरेत प्राज्ञं, जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है कुमार काल में ही भजन करते हैं, वृद्ध काल में भजन नहीं होता है भाई, होता है आप बताओ है? आजकल जो 50-60 हो गया तो हो गया भजन, कहां भजन कर पाई है? कमर में दर्द होता है, गले में कफ जम जाता है, सिर में दर्द होता है, और आजकल ना जाने कैसे कैसे बीमारियां भी फैल गई है, शुगर बढ़ जाता है, और क्या क्या हो जाता है, कहां भजन होता है बताओ। इसे शास्त्र कहते हैं अभी भजन शुरू करो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरि हरे। घर में ही रहे कोई भी बात नहीं, हम यही नहीं करे, सब छोड़ करके भजन करो, अपने घर में रहिए जैसे स्थिति में, किंतु सुबह उठ करके दो माला कर लीजिए, और शाम को सोने के पहले दो माला कर लीजिए, देखिए ना कितने सुंदर नींद आ जाएगी, और सपने में क्या देखोगे है? राधा कृष्ण दर्शन है, इतने आनंद आए। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे है? हम किसे बड़े बड़े भाग से मानव तुम पावा, ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है। आप आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो, थिस्ट और एथिस्ट, ये हमारे विचार नहीं है। एक ही विचार है, ये मनुष्य शरीर अतीव दुर्लभ है। 84 लाख जनी भ्रमण के पश्चात ये मनुष्य शरीर मिला। जलजा लवलक्षणी स्थावरा लक्षविंशति क्रिमया रुद्र संकक, 20 लक्षणी पशव, 30 लक्षणी पशव, 10 लक्षणी पक्षीना, 4 लक्षणी मानव। देखो इस प्रकार हमारे पद्म पुराण में स्टेटमेंट दिया गया, या हम कैसे कैसे 84 लाख जनी हम कैसे बिताया, और इसके पश्चात 4 लाख जनी ये मनुष्य शरीर दिया। कितने लाख? 4 लाख 400,000 है, 4 लाख मनुष्य जनी, और उसमें भी ना जाने कैसे कैसे का हमने जन्म ले लिया है, जिसके कारण नरखादक शरीर मिल गया। नरखादक शरीर समझते कि नहीं? आज तक भी अफ्रीका के जंगल में ऐसे मनुष्य है, वो भी दूसरे मनुष्य के पकड़ करके खा लेते, जैसे शेर है जैसे खा लेती, उसी प्रकार ऐसे भी मनुष्य है। तो आप बताइए ऐसे ऐसे मनुष्य शरीर हमें चला गया। आज भगवान ने ऐसे सुंदर शरीर दिया, सत्संग भी करा दिया है, और भगवान के थोड़ी भजन कर, और कुछ करना नहीं है, जो कर रहे हैं आप करिए है, किंतु एक बार भगवान के नाम करना। प्रातः काल में उठ करके क्या करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और जहां पर सत्संग है उस सत्संग में बैठे, बिनु सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ ना। ये प्रभु की यदि कृपा हो तो हम सत्संग में बैठे। सभी लोग सत्संग नहीं करेंगे भाई, क्यों? तो प्रभु की कृपा नहीं है। भक्ति भगवत संग न परिजायते, सत्संग प्राप्त पूर्वी सुकृति पूर्व संचित, अनेक अनेक जन्म के सुकृति जब इकट्ठा हो जाता है तब हम सत्संग में जाते हैं, और सत्संग में बैठ करके तब हम विचार करते हैं ये मानव जीवन के तात्पर्य क्या है, हम किस लिए आए हैं, विचार करेंगे, और भगवान की कृपा से तब भजन शुरू करते हैं। इसलिए भगवान ने कृपा करके आप लेके सब कुछ दे दिया। हम लखनऊ किस लिए आए हैं? या आप लोग कैसे राम भक्त, कैसे भजन आदि करते, सभी ने इन्होंने बहुत सुंदर राम चरित मानस के चौपाई सुनाया, आनंद आया कि नहीं आया है? इसलिए भगवत भजन कर। स्वयं देवी पार्वती एक बार शिव जी के बोले, हे देव पति देव, आप मुझे कुछ अपने अनुभव के बारे में बताइए, आप तो भजन करते हो, आप भजन करते हैं ना, क्या करते हैं आप? भजन करते हैं। आप अपने कुछ अनुभव के बाद बताइए, जीवन में कुछ अनुभव होता है कि नहीं है? अपने अनुभव के बारे में कुछ बताइए। देखो इस कथा को सुन करके शिव जी बोले, देवी पार्वती सुनो है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा सुनो मैं अपने अनुभव तुम्हें बताता हूं।
है संत हरि भजन। एकमात्र जो है हरि भजन छोड़कर के और सब के व्यर्थ सपना है। जैसे हम सपनों में देखते हैं ना, कब सपना देखते हैं, रात में जब सो जाते हैं, सपने में क्या आ जाता है, दूसरी कोई वस्तु आ जाती है। और जब आप जग जाते हैं, देखा तो कुछ है ही नहीं। सपने में क्या देखा, आप राजा बन गए, बहुत आपके मित्र मंत्री आ गया है, किंतु जब सपनों टूटा, देखा क्या, आप कहां सोए हुए हैं, गुदड़ी में सोए हैं। तात्पर्य क्या है, इस संसार सब सपनों के वहां है। एक ही सप्त वस्तु क्या है, हरि भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हम आप लोग के निकट यही निवेदन करते हैं, सब लोग हरि भजन करें, जीवन सार्थक हो जाए। नहीं तो शरीर छोड़ करके चले जाएंगे, फिर दूसरी शरीर में चले जाएंगे, फिर ये मानव शरीर प्राप्त करने के लिए फिर कितने समय अपेक्षा करना पड़ेगा, 84 लाख जन्म है। कितने जन्म, 84 लाख है, ऐसे नहीं मिल जाए। कितने कष्ट है बताओ, एक कुत्ते होकर जन्म लिया, कितने कष्ट होता है कि नहीं होता है। देखो रामायण में एक कथा है, एक बार भगवान रामचंद्र अपने दरबार में बैठे हुए थे, राज दरबार जहां पर कोर्ट है ना, विचार कर। दोपहर के समय हो गया, सभी लोग चले गए, लक्ष्मण के बोले, लक्ष्मण देखो कोई बाहर बैठे हैं कि नहीं बैठे। लक्ष्मण बाहर आकर के देखा कोई है ही नहीं, तब भगवान रामचंद्र बोले जाओ और एक देख करके आओ, कोई आया कि नहीं है, है? लक्ष्मण बोले भैया एक कुत्ता बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, कुत्ता, और उसको बुला। कुत्ते को बुलाया गया, भगवान क्या है, भगवान में 64 भगवान अनंत गुण है, है? उसमें एक गुण बताओ, सर्व भाषा विद कहा जाता है। क्या भाषा विद, सभी प्राणियों के सारे भाषाओं को जानते हैं। आप लोग कितने भाषा जानते हो, अब मेरी लैंग्वेज डू नो, कितने भाषा जानते हो आप बताओ, अंग्रेजी जानते हो, हिंदी जानते हो, जर्मन सीख लिया, फ्रेंच सीख लिया, अच्छे सीखते हैं ना, और कौन सा भाषा लगते, चलो 10 भाषा सीख लिया आपने, है 10 लैंग्वेज सीख लेना है। किंतु भगवान सर्वभाषाविद, एक छोटी से चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक सभी को भाषा को जानते हैं। देखो भगवान पूछा कुत्ते को, कुत्ते की भाषा जानती है ना, करे तुम किस लिए आए, कुत्ते बोले प्रभु मेरा एक शिकायत है। बोले क्या हो गया, आपके पुजारी, मंदिर के पुजारी मुझे प्रहार किया, लक मेरा प्रहार किया है, मैंने कौन सा दोष किया, मैं तो कोई दोष नहीं किया। पुजारी के बुलाया गया भगवान, भगवान रामचंद्र पुजारी को बुलाया, पुजारी तुम कुत्ते के क्यों प्रहार किया बताओ। पुजारी बोले प्रभु मैं ठाकुर जी की पूजा करने के लिए जा रहा था, एक कुत्ते क्योंकि रास्ता बीच रास्ते में बैठ सोए हुए, मैं वो गए नहीं, इसलिए मेरा गुस्सा आ गया, मैंने उनको लात मारा, प्रहार कर। भगवान रामचंद्र बोले देखो किसी पे प्रहार करना ये तुम्हारी उचित। अच्छा कुत्ते के पूछा गया बताओ इसको क्या दंड दी जाए, वो कुत्ते बोले प्रभु इसके दक्षिण देश में एक सुंदर मंदिर है, कलिंजी प्रदेश में एक मंदिर है,
स्वर्ण मंदिर है उस समय, सोने के मंदिर, जिस मंदिर में हर रोज लाखों करोड़ डोनेशन आता था, वो भी उस समय स्वर्ण मुद्रा था, सोने के सिक्का चढ़ता था, उस मंदिर के इसको महंत बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, महंत बना है। भगवान रामचंद्र बोले ये दंड है ना, हाँ जी, पर क्यों, कुत्ते बोले प्रभु मैं पूर्व जन्म में उसी मंदिर को मैं क्या था, महंत था, महंत समझते कि नहीं, उस मंदिर के मैनेजर मैं था, किंतु जहां पर इतने डोनेशन आता था लाखों करोड़ रुपया की एक दिन में, सोने की मुद्रा जो था उस समय आता था, और देख करके मेरा मुंह से पानी टपकने लगे, देखो मैं उससे कुछ पैसा मैं अपने हड़प लिया, मैंने अपने भोग में लगा दी, भगवान के दिए हुए वस्तु के मैंने क्या की, अपने भोग में लगा दी, और जिसके फलस्वरूप आज मुझे क्या जन्म होना पड़ा, ये कुत्ते हुए जन्म होना, पशु जन्म है। देखो हम लोग मनुष्य शरीर है, हमारे कोई कुछ हो जाए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, किंतु देखो कुत्ते तो बोल नहीं पाते, ना भोजन ना कुछ कर पाते, कष्ट होता नहीं उसके, हमें ठंडी लगते हैं, हमें गर्मी लगते हैं, उसके लिए हम व्यवस्था कर लेते हैं, अभी गर्मी है ना, सबके पास देखो कूलर चला दिया, और ये कैसे कुत्ते के कौन देखते बेचारा, अभी कुत्ते यहाँ पर सोए तो कहाँ चले गए भगवान जी, आप बताओ, उसके ठंडी नहीं गर्मी नहीं लगते, उसके लिए कूलर कौन ले चलाया बताओ, हम इधर कोई गर्मी लगते बोले यहाँ पर एक पंखा लगा तो लगा दिया है, इसलिए पशुजन में कितने कष्ट होता है, इसलिए तुलसीदास जी इसलिए कहते बड़े भाग से मानव तनु पावा, ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है, इसलिए इस जन्म के जन्म में क्या कीजिए, पूरा हरि भजन कर लीजिए, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कलयुग में इसी की महामंत्र कहा जाता है, अलग अलग युग में अलग अलग महामंत्र है, कलयुग में महामंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कोई मंत्र जप करना नहीं है। कली संतान उपनिषद में व्यासदेव जी ने स्पष्टीकरण कर दिया, सप्तयुग के महामंत्र अलग है, त्रेता युग के महामंत्र अलग है, द्वापर युग की महामंत्र अलग है, और कली युग की महामंत्र अलग, इस कली युग में यही महामंत्र है, षोड़श नामानी, सोलह नाम और दात्रिंश अक्षर, दात्रिंश माने 32 अक्षर है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हम चैतन्य महाप्रभु जगत जी की शिक्षा दी, प्रभु करे कैलाम यही महामंत्र, यह गया जप सबे कोरिया निर्बंध, यह हुई ते सर्व सिद्धि हुई वे सवार, यह वही ना बोली वे ना बोलाई वे यार, कलयुग में और कुछ करना ही नहीं है, यही महामंत्र जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमारे प्रभु जी बताया ना, जो लोग नाम नहीं लिया हरि नाम कर लीजिए, गुरु से नाम मंत्र ग्रहण करने पर जल्दी जल्दी आपकी सिद्धि प्राप्ति हो जाती, इसी जन्म में आपके भगवान प्राप्ति हो जाए, किस प्रकार संदेह नहीं है। समय हो गया 8:30 बज गया, मैं एक छोटी सी कथा कर करके अपने वक्त को मैं विराम देता हूँ, देखो
एक बार नारद ऋषि भ्रमण करते करते एक गृहस्थ के घर में आ गए संत महात्मा। देखो नारद ऋषि जब साधु आ गए तो उस समय रात्रि के समय था और गृहस्थ स्वामी बोले महात्मा हमारे घर में आप आए हैं तो भोजन कीजिए। शास्त्र में लिखा गया कई संत महात्मा आपके घर में आ जाए यदि उसके भोजन नहीं ठीक कराया और उनके कुछ दान दक्षिणा नहीं दिया वो आपके पुण्यों के लेकर के चले जाते हैं और अपने पाप को छोड़ करके जाते हैं। और संत महात्मा आपके घर में यदि उपवास रहे भोजन नहीं करें तो आपकी सुकृति पुण्य क्षय हो जाता है। नारद जी कहने लगे देखो आप लोग दीक्षा मंत्र आदि लिया? बोले नहीं महाराज। तो कहते कहने लगे तो आपके घर में तो हम भजन नहीं करते है? जिस घर में लोग भजन नहीं करते हरि भजन नहीं करते दीक्षा मंत्र आदि नहीं लिया उनकी दिव्य वस्तु जो भगवान तो ग्रहण ही नहीं करते हैं है? अच्छी तरह से समझिए यदि गुरु से मंत्र दीक्षा आदि नहीं लिया है? और ठाकुर जी के भोग लगा ठाकुर जी उसका ग्रहण नहीं करते हैं है? तो उस समय नारद ऋषि कहने लगे आप लोग तो दीक्षा मंत्र आदि नहीं लिया तो आपके दिव्य वस्तु हम भजन नहीं कर भोजन नहीं करेंगे। देखो गृहस्थ स्वामी कहने लगे संत महात्मा हमारे घर में आए हैं और रात उस समय करीब 11 बज गया 11:30 हो गया और संत महात्मा हमारे घर में उपवास कैसे रहे? इसलिए देखो गृहस्थ स्वामी बोले संत महात्मा आप जो है चावल दाल सब्जी ले लीजिए और अपने पकाइए और अपने भोजन ठाकुर जी के भोग लगा करके अपने भोजन कीजिए। देखो नारद ऋषि ने कहा कि चावल दाल सब्जी अपने हाथ से पकाया ठाकुर जी के भोग लगाया और इस प्रकार भोजन करने लगा। ऐसे करते करते रात्रि करी 2 बज गया 1:30 हो गया रात्रि को। देखो गृहस्थ स्वामी के बहुत मन में बहुत ग्लानि हुई दुख हुई ये हमारे घर में संत महात्मा आए और संत महात्मा अपने भोजन बनाया रसी बनाया अपने भोजन किया हम लोग तो दीक्षा मंत्र नहीं लिया इसे संत महात्मा हमारे हाथ के पकाए हुए वस्तु ग्रहण नहीं किया। देखो उस समय वो गृहस्थ की गृहिणी जो पत्नी जो थी उनके मन में बहुत दुख हुआ। प्रातः काल में नारद ऋषि जब चलने लगे तो कहने लगी पत्नी कहने लगी कि महाराज मुझे मंत्र दे दीजिए। देखो नारद ऋषि उनको मंत्र दे दिया किंतु गृहस्थ स्वामी जो है पति जो है वो कहने लगे मुझे तो एक काम करना है वो काम करना है। कहते हैं ना आज हमारे उधार जाना है वो काम करना है वो काम करना है हमारे पास समय नहीं है मंत्र जप करने का है? वो गृहस्वामी पतिदेव मंत्र नहीं लिया मंत्र किसने लिया पत्नी ले लिया। देखो काल क्रम से पति और पत्नी दोनों ही मानो शरीर छोड़ दिया है? देखो मंत्र के जप करने पर पत्नी जो है एक राजा के घर में राजकन्या के रूप में जन्म लिया किसके रूप में राजकन्या होकर जन्म लिया और पति तो मंत्र नहीं लिया भगवान की इच्छा से उसी परिवार में राज परिवार में उसके पति हाथी होकर जन्म लिया। क्या होकर जन्म लिया हाथी होकर जन्म लिया। शास्त्र में लिखा है यदि कोई मंत्र दीक्षा आदि नहीं लिया है और उनके शरीर छूट जाता है वो दूसरी जन्म में मनुष्य शरीर नहीं मिलता उसका उसी जन ही हो जाता है। हम नहीं डरा नहीं रहे शास्त्र में लिखा है आप पढ़ी शास्त्र में लिखा है गुरु से दीक्षा मंत्र आदि नहीं लेने पर मृत्यु के पश्चात उनके कौन सा जन ही प्राप्त होता है पशु जन एनिमल्स बर्थ हो जाए। पति ने तो ले लिया इसलिए पत्नी के कहां पर जन्म हुई राजकन्या के रूप में। देखो और पति हाथी होकर जन्म लिया है देखो राजकन्या जब बड़ी होने लगी फिर विवाह के समय हो गया उनके पिताजी
बड़े बड़े राजाओं के बुलाया, स्वयंवर सभा हुई। राजकन्या जो है माला लेकर के अपने पति को चुन रही थी किसके गले में डालेंगे। बड़े बड़े सब राजा लोग आए थे, राजपुत्र भी आए थे, और राजकन्या ने क्या की, माला लेकर के घूमते घूमते उस हाथी के गले में माला डाल दिया। किसके गले में दे दिया? हाथी के। सब लोग कहने लगे हाथी के गले में क्यों दे दिया। राजकन्या कहने लगी, देखो ये हाथी जो है पूरे जन्म में मेरा कौन थी, मेरा पति, उसके गले में दे। और ठीक उसी समय नारद ऋषि प्रकट हुए, और नारद ऋषि हाथी के कान में पुनः मंत्र दे दिया, हाथी के कान में देखो है। मंत्र देने के साथ ही साथ वो हाथी शरीर छोड़ दिया, और राजकुमारी भी शरीर छोड़ करके दोनों दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवत धाम में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए प्रमाण है, शास्त्र में अनेकों कथाएं है कि सभी लोग दीक्षा मंत्रादि ग्रहण करें, हरिनाम करें, प्याज लहसुन आदि वर्जन करें, त्याग दे दे, ये खाना उचित नहीं है। पहले देखो भक्ति के तो पहले स्टेज है, जैसे आप ग्रहण करोगे भोजन करोगे उसी प्रकार आपके विचार आएगा, बुद्धि आएगा। इसलिए शास्त्र में लिखा गया आहार शुद्धि चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुवाण स्मृति, स्मृति लब्धे ब्रह्म। आहार शुद्धि होनी चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन तीन प्रकार के भोजन सामग्री है, एक है तामसिक भोजन, और एक है राजसिक भोजन, और तीसरी सात्विक भोजन। सात्विक भोजन करना चाहिए। यदि सात्विक भोजन नहीं किया तो तामसिक भोजन कर लिया तो तामसिक बुद्धि आ जाए, विचार आ जाएगा। इसलिए भोजन कैसी होनी चाहिए? सात्विक भोजन करें। अब देखो जैसे खाओगे ऐसी तो बुद्धि बनेगा कि नहीं है? कोई शराब पी लिया, देखो उसके बुद्धि कैसे हो जाता है, घर में आकर के बस पूरा हलचल मचा देते है। जिसे श्रीमद् भागवत में पद्म पुराण में गोकर्ण धुंधी करी के उपाख्यान सुना है, इसलिए है ना, धुंधुकारी ऐसे दुष्ट था, दुराचारी था, शराब पीता था, दुष्कर्म करता था, और उसके मृत्यु भी कैसे हुई, अपघात से मृत्यु हुई, जिसके फलस्वरूप धुंधुकारी भूत पिशाच होकर जन्म लिया, भूत पिशाच। देखो उनके भाई गोकर्ण सात्विक भोजन करते थे, संत महात्मा के संग आदि करते थे, और वही गोकर्ण उनके भाई उनके भागवत कथा श्रवण कराया और उनको उद्धार कर दिया। इसलिए आहार सात्विक आहार भोजन करें, सात्विक विचार बने, भगवत नाम ग्रहण आदि करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हम ब्रज के तरफ आगे चलेंगे। ब्रजवासी लोग कृष्ण के कैसे प्रेम प्रति करते थे, सुबल श्रीराम देखो गोपाल के साथ कैसे खेल कूद करते थे, कान में चढ़ जाते थे, भगवान के कान में कोई चढ़ता है? हनुमान जी तो राम और लक्ष्मण के कान में बैठ करके ले चले। और देखो ब्रज में वही रामचंद्र कृष्ण होकर भी जब आए प्रकट हुए, और श्रीराम सुबल श्रीराम कृष्ण के कान पर चढ़ जाते, अपने झूठन खिलाते, देखो कैसे लीला कैसे सुंदर है। और माँ जसोदा गोपाल को क्या करते हैं, शासन करते हैं, लाठी लेकर के शासन करते हैं, कान को जब पकड़ करके उनको शासन करते हैं। देखो ब्रज में कितने सुंदर मधुर भाव, और गोपियां क्या करती है, थोड़ी सी छाछ दे करके गोपाल को क्या करते हैं,
नचाते हैं, यही है प्रेम। जो भगवान ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कृष्ण के स्तुति आदि करते रहते हैं, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। किंतु देखो ब्रज में गोपाल को क्या करते हैं, कोई कान पकड़ते हैं, कोई गुलचा लगाता है, कोई कुछ करते रहते हैं, उसी भगवान के प्रति स्नेह है, प्रति इसी प्रेम के द्वारा भगवान की क्या करते हैं, बांध लेते, बंधन में स्वयं भगवान बंधन स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए ब्रज प्रेम की तरफ हमें चलना है, और ब्रज की कथा हम काल से शुरू कर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे ब्रज से भी प्रभु आए हैं कि ब्रज के इतने सुंदर कीर्तन करते हैं, थोड़ा एक ब्रज की कीर्तन करके आज यह कथा को हम समाप्त करते हैं। काल हम लोग ठीक 4:30 बजे कीर्तन प्रारंभ करेंगे और कथा जो है 8 बजे तक कथा को हम समाप्त करेंगे, किंतु आज देर हो गया, सब व्यवस्था करने में देर हो गई, किंतु काल हम ठीक समय पर 8 बजे हम समाप्त कर देंगे। और आप लोग के करबद्ध निवेदन है, काल जल्दी जल्दी आने के लिए आप कष्ट करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। मंगल ही मंगल है गुरुदेव के पीछे, ये 4 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, मंगल इसलिए मंगल गुरु के पद पंकज, मंगल गुरु प्रिय गुण, मंगल में गुरु की दिनचर्या, मंगल में गुरु भक्ति वखानी, मंगल में गुरु के शुभ दर्शन, मंगल में गुरु की मानी, मंगल में न खुशे गुरु मूर्ति वेद पुराण गानी, देवी पुराणों में भी गुरु महिमा का बखान, भक्ति लखनऊ हरी हरी बोल। की हो महाराज जी, अभी कथा सर्वा करा रहे थे, मैं आपको प्रेस की ओर ही चलता हूँ। लख चौरासी को सुमी को कोई चार गाम जेदा सखी, चार गाम जेदा कहीं
Thank you.
Thank you.
बोल दो हरि नाम के लिए आगे आ जाए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद यहाँ बगल में अपना सिक्योरिटी गेट के पास में भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, तो आप सब लोग वहाँ प्रसाद पाके ही जाएंगे। और दूसरा है कि जिस किसी को हरिनाम गुरुदेव से लेना है, अभी आरती के बाद हरिनाम जो है यहाँ गुरुदेव से प्राप्त कर लें। हरे कृष्णा। कल आप सब लोगों से निवेदन है कि 4:30 बजे जैसा गुरुदेव बोले हैं, सब लोग सब परिवार उपस्थित हो, और जो लोग आज आए हैं वो अपने साथ दो दो चार चार लोगों को और लेके आए। धन्यवाद। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से Oh,
I'm gonna go get some more.
श्री गुरु ब्रह्म।